हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है टेली एक्सप्रेस में इस समय जो रैंकिंग आई है मोस्ट पॉपुलर हिंदी टीवी पर्सनालिटी जी हाँ उसके कौन टॉप टेन स्टार्स हैं उनकी रैंकिंग आई है मैं फिर से बोलता हूँ मोस्ट पॉपुलर हिंदी टीवी पर्सनालिटी की रैंकिंग है इसमें उमर रियाज और रश्मि देसाई दोनों हैं टॉप टेन में ये बहुत बड़ी बात है उमर रियाज और रश्मि देसाई दोनों के फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है उमर रियाज तो उभरते हुए सितारे बिग बॉस से उन्होंने एंट्री मारी और मुकाम पाना उनके लिए बहुत बड़ी बात है रश्मि देसाई एक पुराना नाम है तो उनका होना तो लाजमी था क्या है सारी बातें हम आपको बताएंगे कौन है इस रैंकिंग में नंबर वन टू थ्री फोर फाइव फा, सिक्स सेवन एट नाइन टाइन सब बताएंगे पर उससे पहले प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जो नंबर टेन पे है वो है आयशा सिंह जी हाँ आयशा सिंह नंबर टेन पे है नंबर नाइन पे है रश्मि देसाई इस रैंकिंग में नंबर नाइन पे रश्मि देसाई इन्होंने बिग बॉस फिफ्टीन से धमाल मचाया और अभी उनकी कातिलाना करके म्यूजिक वीडियो भी आए जो लोगों ने बहुत पसंद किया है नंबर आठ पे है उमर रियाज मेरा सफ़र बिग बॉस 15 आप ना असली विनर पब्लिक विनर उमर रियाज इस समय नंबर आठ पे है खतरा खतरा उनका बहुत आने वाला है अभी कलर्स पे और बूट पे आप प्लीज़ देखिएगा होली के उस पर भी जो होली का प्रोग्राम कलर्स पे आना उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया है तो उमर रियाज नंबर आठ पे हिट की गारंटी है गौरव खन्ना नंबर सेवन पे है रूपाली गांगुली जो है नंबर सिक्स पे है हर्षद चोपड़ा नंबर फाइव पे है रुबीना दिलायक नंबर फोर पे है बिग बॉस फोर्टीन की विनर रुबीना दिलायक नंबर फोर पे जिन्होंने अभी हाल ही में ही उमर रियाज के साथ शूट कंप्लीट किया हो, होली के लिए करण कुंद्रा उमर रियाज के दोस्त नंबर थर्ड पे है नागिन की हीरोइन जो तेजा है वो नंबर सेकंड पे है इस समय और नंबर वन पे है शहनाज कौरगिल जी हाँ बिग बॉस थर्टीन जो एक वन ऑफ द बेस्ट सीजन रहा था उसकी कंटेस्टेंट नंबर वन पे है हाँ शौक है आसिम रियाज नहीं है इसमें आसिम रियाज को मैं एक्सपेक्ट कर रहा था पर उमर रियाज थोड़ा ऊपर होना चाहिए था उमर रियाज को क्या आप इस रैंकिंग से सहमत है मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं आपका कहना कहना है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए वीडियो को लाइक कीजिए